हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू चिकीज बायोलॉजी अनदर वीडियो ट्यूटोरियल। इन दिस वीडियो ट्यूटोरियल टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल अबाउट MITS ग्वालियर। आज हम लोग बात करेंगे MITS ग्वालियर के बारे में। और MITS जो ग्वालियर है ये माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस है, जो ग्वालियर में है, MP में है। इस कॉलेज के बारे में आज हम यहाँ पे, इस इंस्टीट्यूट के बारे में हम लोग आज यहाँ पे एक होनेस्ट रिव्यू करेंगे। और आप लोग मेरे साथ में इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेके एंड तक बने रहें। और फ्रेंड्स, इस इंस्टीट्यूट में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, कौन से कोर्स की कितनी फीस होती है, यहाँ पे हॉस्टल कैसे होते हैं, यहाँ पे स्कॉलरशिप किसको मिलती है, यहाँ पे आप लोगों का एडमिशन कैसे होता है किसी भी कोर्स में, वो भले ही UG कोर्स हो, वो भले ही PG कोर्स हो, इस पे भी हम लोग अपनी इस वीडियो में आज यहाँ पे बात करेंगे। और आप लोग जो है लास्ट तक इस वीडियो में मेरे साथ कनेक्ट जरूर रहें। अगर आप लोगों को इस इंस्टीट्यूट से रिलेटेड सभी पॉइंट्स के बारे में अच्छे से यहाँ पे जानकारी लेनी है या उन सभी पॉइंट्स को आप लोगों को क्लियर करना है, तो फ्रेंड्स MITS जो ग्वालियर है ये 1957 में बना था। और फ्रेंड्स, इसको जो अप्रूवल मिला हुआ है वो AICTE से मिला हुआ है। और ये एक गवर्नमेंट ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कोर्सेज होते हैं, यहाँ पे कोर्स होता है BTEC, ठीक है। और BTEC आप लोग यहाँ से 10 स्ट्रीम्स में कर सकते हैं। और जो कुछ मेन स्ट्रीम्स हैं उनके बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। वो मेन स्ट्रीम्स हैं, केमिकल इंजीनियरिंग में आप लोग कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पे सिविल में कर सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग में आप लोग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में यहाँ से अपना BTEC कर सकते हैं, जो 4 ईयर का कोर्स होता है, आप लोग बायोटेक्नोलॉजी में कर सकते हैं, आप लोग जो है CS में कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस में, आप लोग जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यहाँ से अपना BTEC कर सकते हैं, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में यहाँ से अपना BTEC कर सकते हैं, आप लोग मैकेनिकल में कर सकते हैं, आप लोग यहाँ से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अपना BTEC कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये कुछ मेन ब्रांचेज थी जो मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस की। और भी बहुत सारी ब्रांचेज यहाँ पे हैं। और फ्रेंड्स, जो BTEC है यहाँ पे, BTEC में जो आप लोगों का एडमिशन होगा, वो आप लोगों का एडमिशन होगा 12th क्लास में, आप लोगों का वहाँ पे 75% होना जरूरी है। और प्लस JEE मेंस जो एग्जाम होता है, वो एग्जाम आप लोगों का क्लियर होना जरूरी है, तभी आप लोगों का यहाँ पे एग्जाम होगा BTEC कोर्स में। और फ्रेंड्स, यहाँ पे JEE मेंस एग्जाम के थ्रू ही आप लोगों का एडमिशन हो जाता है, उसमें एडवांस एग्जाम की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और फ्रेंड्स, जो आप लोगों की यहाँ पर ईयर की फीस होती है, जो ट्यूशन फीस होती है, अगर आप लोग यहाँ से BTEC करते हैं, वो आप लोगों की फीस होती है 84,358 रुपीज आप लोगों को यहाँ पर ईयर ट्यूशन फीस का देना होता है। अब बात करेंगे कि MTEC यहाँ पे आप लोग कैसे, MTEC का यहाँ पे कितना फीस है, तो आप लोग यहाँ पे MTEC कर सकते हैं अगर आप लोगों ने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कोर्स किया है, अगर आप लोगों ने BTEC किया है किसी भी स्ट्रीम में, तो आप लोग कर सकते हैं MTEC उसी रिलेटिव स्ट्रीम से। और फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे अगर आप लोगों ने MSc किया है और तब भी आप लोग कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, MTEC आप लोग यहाँ से कर सकते हैं, बट MTEC में एडमिशन लेने के लिए आप लोगों का गेट एग्जाम यहाँ पे क्वालिफाई होना जरूरी है। और गेट एग्जाम को आप लोग BTEC के बाद दे सकते हैं, BE के बाद दे सकते हैं, MSc के बाद दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, MTEC की जो यहाँ पर ईयर की जो ट्यूशन फीस है, वो ट्यूशन फीस है यहाँ पे 86,695 रुपीज आप लोगों को देना होता है पर ईयर। अब बात करेंगे कि PhD आप लोग जो है यहाँ पे 5 स्ट्रीम्स में कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, PhD के लिए आप लोगों का PG होना जरूरी है, या फिर आप लोगों का कोई 4 ईयर का कोर्स होना जरूरी है, आप लोग 4 ईयर के कोर्स के बाद भी आप लोग PhD कर सकते हैं, या फिर आप लोग 3 ईयर प्लस 2 ईयर के कोर्स के बाद भी PhD कर सकते हैं। और PhD में एडमिशन लेने के लिए आप लोगों को यहाँ पे फर्स्ट रिटर्न टेस्ट देना होता है, देन आप लोगों का इंटरव्यू होगा, और आप लोगों का कोई एक कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई होना जरूरी है, लाइक जैसे नेट का एग्जाम, आप लोगों का जैसे कि आप लोगों का गेट का एग्जाम, या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम जो PhD के लिए वहां पे आप लोगों का एप्लीकेबल हो। तो फ्रेंड्स, ये बात हो गई PhD की। PhD की जो यहाँ पर ईयर की फीस है, वो आप लोगों की फीस है यहाँ पे 49,000 पर ईयर आप लोगों की यहाँ पे फीस है।
अब बात करेंगे एमई की, जो एमई है मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, वो एमटेक से अलग होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो एमई जो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं वो आप लोग यहाँ से 9 स्ट्रीम्स में कर सकते हैं। और एमई की जो यहाँ पे फीस है, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग की जो यहाँ पे फीस है, वो आप लोगों की फीस है 86,695 रुपीज आप लोगों को पर ईयर यहाँ पे देना होता है। और एमई करने के लिए आप लोगों का बी जो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कोर्स है, या बी टेक, या आप लोगों का यहाँ पे एमएससी के बाद भी आप लोग एमई कोर्स कर सकते हैं। और गेट आप लोगों का क्वालिफाई होना जरूरी है एमई कोर्स को करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये हो गया मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग कोर्स। अब बात करेंगे बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की, ठीक है, जो आप लोग 12th क्लास के बाद करते हैं बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, अगर आप लोग आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट की जो सीट्स हैं, टोटल जो सीट्स हैं एमआईटीएस ग्वालियर में, वो 40 सीट्स पे यहाँ पे एडमिशन होता है, या 40 सीट्स पे ये कॉलेज जो है पर ईयर एडमिशन देता है। तो फ्रेंड्स, इस कोर्स की जो फीस है वो आप लोगों की फीस है 82,730 रुपीज पर ईयर आप लोगों को देना होता है, और आप लोगों का 10+2 होना जरूरी है। और फ्रेंड्स, बात करेंगे एमसीए की। एमसीए यहाँ पे होता है मास्टर ऑफ कंप्यूटर, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो फ्रेंड्स, इसमें आप लोगों का ग्रेजुएशन होना चाहिए, एलिजिबिलिटी की अगर हम लोग बात करें बीसी आप लोगों का होना चाहिए। और इस कोर्स की जो फीस है वो आप लोगों की है 68,943 रुपीज आप लोगों को पर ईयर यहाँ पे फीस देना होता है, अगर आप लोग यहाँ से एमसीए करते हैं। अब यहाँ पे जो है आप लोगों का जो एमटेक है, एमटेक में मैंने आप लोगों को बताया, एमटेक आप लोग यहाँ पे 11 स्ट्रीम्स में आप लोग कर सकते हैं। उसमें बायोटेक है, केमिकल है, साइबर सिक्योरिटी है, सीएस है, और भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। और साइबर सिक्योरिटी जो ब्रांच है वो सबसे अलग एक ब्रांच है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये बात हो गई एमटेक की स्ट्रीम्स की। अब बात करेंगे प्लेसमेंट्स की। प्लेसमेंट्स यहाँ पे जो होते हैं वो सीएस में तो अच्छा प्लेसमेंट यहाँ पे होता है, बट अदर जो ब्रांचेज हैं उनका प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं माना जाता। तो फ्रेंड्स, आज तक का जो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट जो पैकेज गया है वो गया है 11 लाख का, ठीक है। और फ्रेंड्स, जो यहाँ पे जाने की जो जैसे बस की या ट्रेन की आप लोगों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मीन्स आप लोगों को कोई भी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि जो बस स्टैंड है वो भी पास में ही है, और जो रेलवे स्टेशन है वो भी यहाँ पे पास में ही है, तो आप लोगों को कनेक्टिविटी की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करेंगे स्कॉलरशिप की। तो स्कॉलरशिप जो आप लोगों को मिलती है वो आप लोगों को मिलती है आप लोगों के फादर के इनकम सर्टिफिकेट के बिहाफ पे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के फादर का जो इनकम सर्टिफिकेट है वो उतने का बना हुआ है, जो जिस इनकम के बिहाफ पे आप लोगों को ये इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप देता है, तो आप लोगों को 100% वहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है। और फ्रेंड्स, अब बात करेंगे हॉस्टल की। तो यहाँ पे दोनों ही जैसे बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए ही यहाँ पे हॉस्टल्स हैं। और बॉयज के लिए जो हॉस्टल यहाँ पे मिलता है वो मिलता है 43,500 पर ईयर उसका चार्ज देना होता है, बॉयज के लिए जो हॉस्टल मिलता है। जो गर्ल्स के लिए हॉस्टल मिलता है वो हॉस्टल मिलता है यहाँ पे 41,500 रुपीज पर ईयर उसका देना होता है। और ये जो कैंपस बना हुआ है, ये कैंपस अर्बन में बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये बात हो गई यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज हैं, उन कोर्सेज की कितनी फीस है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो से रिलेटेड या इस इंस्टीट्यूट से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप लोगों के माइंड में कोई डाउट है, तो आप लोग उसको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। और आप लोग मेरे साथ में जुड़ सकते हैं चिकीज बायोलॉजी के इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ, चिकीज बायोलॉजी के फेसबुक पेज के साथ। इन सभी अकाउंट्स की जो लिंक्स है मैं आप लोगों को अपनी सभी वीडियोज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देता हूँ। और फ्रेंड्स, आप लोग जो हैं चिकीज बायोलॉजी के इंस्टाग्राम अकाउंट पे, चिकीज बायोलॉजी के फेसबुक पेज पे भी अपने क्वेश्चंस, अपनी क्वेरीज, अपने डाउट्स, अपने थॉट्स मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। और इन सभी वीडियोस को आप लोग अपने फ्रेंड्स को, अपने बैचमेट्स को, अपने जूनियर्स को, अपने कलीग्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए चिकीज बायोलॉजी चैनल पे लेके आऊंगा, उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तभी जाएगा अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस किया है।
सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आप लोगों को किसी और इंस्टीट्यूट के बारे में एक होनेस्ट रिव्यू चाहिए तो आप लोग जो है उसको भी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। थैंक यू फ्रेंड्स।